हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ये सुंदर सा डोरमैट बनाना, जो कि बनाने के लिए बहुत ही इजी है। इसे हमने आज हाथ से ही बनाया है, बगैर सीविंग मशीन के और पुराने दुपट्टों का यूज़ किया है। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने 7 इंच बाय 11 इंच का एक न्यूज़पेपर ले लिया है। 7 इंच की चौड़ाई है, इसकी लेंथ है 11 इंच। अब हम इस कॉर्नर से 9.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क लगा लेंगे और यहाँ से 8 इंच पे मार्क लगा लेंगे। जहाँ पर भी 8 इंच आए वहाँ पे मार्क लगा लीजिएगा और इस पॉइंट से कॉर्नर पर हम मार्क लगा लेंगे 9.5 इंच। एक लाइन लगा लेते हैं यहाँ से। अब देखिए कि जो हमने लाइन लगाई है इसकी हम कर लेंगे कटिंग। अब हम इसे इस कॉर्नर से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको हम यू एक लीफ की शेप में कटिंग कर लेंगे। ऐसे हमने काट लिया इसको। तो ये देखिए, हमने बेस की कटिंग कैसे की है। जितना हमने न्यूज़पेपर की लीफ कटिंग की है उसकी दुगनी लेंथ का हमने बेस लेना है, स्क्वायर पीस लेना है। उसको पहले हम यूं फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड ऐसे करेंगे और एक फोल्ड यूं करेंगे और उसके ऊपर न्यूज़पेपर जो हमने कटिंग किया है वो रखेंगे और ऐसे काट लेंगे। बेस के लिए आप ओल्ड जीन्स का यूज़ कर सकते हैं, ओल्ड पैंट का यूज़ कर सकते हैं, ओल्ड बेड शीट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम हाथ की सुई में डबल थ्रेड डाल लेंगे और इस डोरमैट के एकदम किनारों को फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे ताकि इसके किनारों की फिनिशिंग हो जाए। ऐसे हमें फिनिश कर लेना है इसको और जब हम कॉर्नर पे आएंगे तो वहाँ पर हमें बिल्कुल 2 पॉइंट का कट लगा लेना है, तभी ये फैब्रिक किनारों पर जो एकदम कॉर्नर है ये वाला हिस्सा फोल्ड हो पाएगा। अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो फोल्ड नहीं हो पाएगा कपड़ा। तो 2 पॉइंट का वहाँ पे कट ज़रूर लगाइएगा सभी कॉर्नर पे, तभी हम इस फैब्रिक को फोल्ड कर पाएंगे ठीक तरह से। तो ये देखिए, अब हमने जो इसकी क्रीज बना रखी थी उन पर मार्क लगा लेना है। मार्क लगाने के बाद मैं इस दुपट्टे का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये दुपट्टा है, 9 इंच का ये चौड़ा है। इसकी मैं हाफ़ कर लेती हूँ, 4 इंच चौड़ी स्ट्रिप कटिंग कर लेंगे। हम सीधे कपड़े में से भी कर सकते हैं, उरेब भी कर सकते हैं, जैसा भी फैब्रिक आपके पास अवेलेबल है तो वैसा ही आप स्ट्रिप की कटिंग कर लीजिए 4 इंच चौड़ी। ऐसे हमने कटिंग कर ली। तो देखिए दोस्तों, स्ट्रिप को मैं 10 इंच लॉन्ग कटिंग कर रही हूँ। ऐसे हमें इसे काट लेना है और हाथ की सुई में हमें डबल थ्रेड डाल लेना है और थ्रेड पे नोट जरूर लगा लेनी है, तभी हमें स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। अब हम इस स्ट्रिप के एकदम सेंटर पर रॉ स्टिच कर लेंगे, कच्चा टांका जिसे कहते हैं। ऐसे
दो दो पॉइंट के गैप में हम रॉ स्टिच कर लेंगे। ठीक है, एंड तक हमें कर लेना है सेंटर पे करने से। अब देखिए ये हमने पूरा स्टिच कर लिया है सेंटर पे। अब हम इसे यूं थ्रेड को खींच लेंगे। खींचने के बाद ये देखिए फ्लावर जैसी इसकी शेप हो जाएगी। अब इसको हम इस बेस के साथ स्टिच कर लेंगे ऐसे। दो फ्लावर को हमें इस तरह से लगाना है कि बेस नज़र ना आए और इसे हम सेंटर पर, इस फ्लावर का जो सेंटर है उसे बेस के साथ कम से कम 3-4 टाँके लगा के अच्छे से हम नॉट लगा देंगे, पक्का कर देंगे इसे ताकि ये निकले ना। अब हम दूसरा फ्लावर तैयार करेंगे। फिर से हम 10 इंच की स्ट्रिप कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने अब फिर से 10 इंच लॉन्ग स्ट्रिप की कटिंग कर लेनी है। और हाथ की सुई में डबल थ्रेड डाल लेना है और नॉट जरूर लगा लेनी है, ये आप ध्यान रखिएगा, तभी हमें स्टिच स्टार्ट करनी है। एकदम सेंटर पर इस तरह से हम छोटा छोटा रॉ स्टिच कर लेंगे। और एंड तक स्टिच कर लेंगे इस पे। ठीक है, ये देखिए ऐसे हमें धागा खींच लेना है और यहाँ पर अच्छे से 2-3 बार नॉट लगा लेनी है। अब इसको यूँ रखना है बेस के साथ और बेस के साथ भी इसे अच्छे से नॉट लगा लेना है 2-3 बार। अब फिर से हमें थ्रेड पे नॉट लगा लेनी है। फिर 10 इंच लॉन्ग स्ट्रिप कटिंग करनी है। यू और फिर से हमें रॉ स्टिच करनी है सेंटर पे। तो ये फ्लावर की तरह बन जाएगा। अब इसे हम आगे के एरिया पे लगा देंगे। तो ये देखिए एक फ्लावर मैंने और तैयार कर लिया है और इसे हम डोरमैट के सेंटर पर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर जितना आप डिफरेंट कलर का यूज़ करेंगे
इसे बनाने के लिए उतने ही आपको दुपट्टे की ज़रूरत होगी। तो काफ़ी जो हिस्सा है दुपट्टे का वो बच जाएगा। तो आप ऐसे ही बहुत से डोरमैट के डिज़ाइन मेरे चैनल में देख सकते हैं, जो कि आप बचे हुए दुपट्टे के पीसीस का यूज़ करके बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरा कलर यूज़ कर लेंगे, जैसे कि ये रानी कलर की स्ट्रिप है मेरे पास, इसको हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है लेकिन हम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे इसे ऐसे ही। तो देखिए मैंने ये वाला कलर भी यहाँ पर फिल कर लिया है। अब यहाँ के लिए मैं इस पिंक स्ट्रिप का यूज़ करूँगी, फिर ग्रीन का, फिर ऑरेंज का, तो मैं आपको आगे करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने डिफरेंट कलर का यूज़ करके इस डोरमैट को यहाँ तक बना लिया है। अब हम पिंक को पिंक के सामने, रानी कलर को रानी कलर के सामने और ऑरेंज कलर को ऑरेंज कलर के सामने लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये डोरमैट मैंने कंप्लीट कर दिया है और बहुत ही मुलायम है और बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना ना भूलिए। और ऐसे ही बहुत से डोरमैट के वीडियो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, चाहे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो को एंड तक देखा।